Hi friends, I hope you are fit and fine. My name is Afsar Khan and you are watching my channel. और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है वर्जीनिया वुल्फ का एक ऐसे जिसका नाम है प्रोफेशन फॉर वुमेन। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। वर्जीनिया अरलाइन वुल्फ 20th सेंचुरी की एक इंग्लिश नॉवलिस्ट थी और एसेइस्ट थी। कहा जाता है कि मॉडर्निज्म की शुरुआत वुल्फ ने ही की थी। वुल्फ ने 1931 में वुमेन सर्विस लीग में अपनी एक स्पीच दी थी। उस टाइम जिस प्रॉब्लम की वुल्फ ने बात की थी वो प्रॉब्लम लगभग आज भी वैसी की वैसी ही बनी हुई है। अपनी इस स्पीच में समाज में इस प्रॉब्लम को जेंडर इनइक्वालिटी के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है समाज में औरत और मर्द के बीच में जो इक्वालिटी है उसका ना हो पाना। वुल्फ इस एस्से में मेनली यही कहना चाहती हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वुमेन की सफलता के आगे आती हैं और उनको आगे बढ़ने से रोक देती हैं। हालांकि ये जो बैरियर्स हैं वो दिखाई नहीं देते बल्कि ये खुद वुमेन के बिहेवियर में होते हैं जिसे दूर किए बिना वुमेन सफल नहीं हो सकती। इस एस्से में वुल्फ ने अपने खुद के एक्सपीरियंस को शेयर किया है। वो कहती हैं वुमेन को हर पेशे में परेशानियों का सामना करना पड़ता है लेकिन जो वुमेन लिखना चाहती है उसको बाकी से ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। वो ये भी कहती है कि औरत के लिए ये आसान नहीं है कि वो सदियों से चली आ रही समाज की सोच से जल्दी से बाहर निकल जाए। वो कहती है कि अगर उसको एक बुक का रिव्यू लिखना हो तो उसको कई ऐसी चीज़ों से लड़ना होगा जो आँखों से तो दिखाई नहीं देती बल्कि सोशल रूप से होती हैं। इन्हीं बैरियर्स को इन्हीं रुकावटों को वुमेन की सफलता के आगे से हटाने की ज़रूरत है और ये ना दिखाई देने वाली परेशानी को उसने एंजल इन द हाउस कहा है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वुमेन को हमारे समाज में घर का सबसे अच्छा मेंबर बनने की ज़रूरत होती है। समाज उससे चाहता है कि वो दूसरे सभी सदस्यों का ख्याल रखे, खास करके घर के मर्द लोगों का। उसका व्यवहार विनम्र होना चाहिए, उसकी आवाज़ धीमी होनी चाहिए, उसके अंदर दया और त्याग की भावना होनी चाहिए, उसको सुंदर होना चाहिए, उसको हर वो काम करना चाहिए जो उसका पति उससे करने के लिए कहे। ये सब चीज़ें एक सोसाइटी चाहती है कि एक वुमेन ऐसी बने। अगर वो ऐसी नहीं बनती तो उस औरत को अच्छा नहीं कहा जाता और ऐसी वुमेन को समाज अलग अलग नामों से पुकारने लगता है। और अगर कोई वुमेन लिखना चाहती है तो सबसे पहले उसके रास्ते में एंजल इन द हाउस की प्रॉब्लम आती है। मतलब अगर वो लिखेगी तो वैसी अच्छी नहीं बनी रहेगी जैसा सोसाइटी या समाज उसे बनाना चाहता है और बुरा बनने के डर से वुमेन कभी लिखना शुरू ही नहीं करेगी और लिखने के लिए उसको द एंजल इन द हाउस को सबसे पहले मारना होगा और ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एक औरत के लिए, एक वुमेन के लिए, एक सफल पेशेवर लेखक होने के नाते। वुल्फ कहती है कि वो और ज़्यादा अच्छी, गुड, विनम्र नहीं बनी रह सकती। उसको निडर बनना होगा, उसको अपने आप को खुल के समाज के सामने रखना होगा, अपने ऊपर विश्वास करना होगा और अपने आप को एक्सप्रेस करना होगा। आगे वर्जीनिया वुल्फ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती है। वो कहती है कि एक राइटर चाहता है या चाहती है कि जब वो लिखने का काम कर रहा हो तो उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। वो अपने बारे में कल्पना करती है कि जैसे वो एक लड़की है और अपने हाथ में एक पेन और स्याही लिए है, लिखने के लिए बैठी है। वो एक मिनट से कई घंटे तक बिना कुछ लिखे वैसे ही बैठी रहती है क्योंकि किसी सही विचार के आए बिना लिखने का काम आगे नहीं बढ़ता। लेकिन तभी वो अपनी कल्पना से, अपनी इमेजिनेशन से बाहर आती है और उसको याद आता है अपने शरीर के बारे में, जिसकी वजह से वो समाज में बराबर का हक नहीं रखती। उसकी बात को रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसके व्यक्तिगत, उसके पर्सनल जो थॉट हैं, विचार हैं, उनकी समाज में कोई कीमत नहीं है और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो एक औरत है। वो अब और नहीं लिख सकती है, ये विचार उसके दिल में घर कर जाता है। वुल्फ को एहसास होता है कि वुमेन की जो सक्सेस है वो रूढ़िवादी विचारधारा की वजह से मर्दों के द्वारा रोक दी जाती है। ऐसा हो सकता है कि कोई वुमेन आर्थिक रूप से सफल हो, सक्सेस हो सकती है,
लेकिन ये पूरी सक्सेस नहीं है। औरत को हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में कंप्लीट सक्सेस और आज़ादी की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, वुमेन को अपने विचारों को समाज में रखने के लिए सभी आर्ट्स और पेशे में हिस्सा लेने की वैसी ही आज़ादी होनी चाहिए जैसे कि समाज के मेल यानी के मर्दों को होती है। यदि ऐसा होता है तो तभी ये इनइक्वालिटी कम हो सकती है, तभी ये भेदभाव ख़त्म हो सकता है सोसाइटी से। तो इस एसे के बारे में कहा जा सकता है कि ये वुमेन को आर्थिक गुलामी से आज़ाद कराने के बारे में जोर देता है। विक्टोरियन एज के आखिर में, 20th century की शुरुआत में वुमेन को आर्थिक आज़ादी नहीं थी। वो इसके साथ साथ अपने हक के लिए बोल भी नहीं सकती थी और उनको ना ही लिखने की आज़ादी थी और ना ही उनको सोचने दिया जाता था जो वो सोचना चाहती थी। उन पर पूरी तरह पैट्रियार्कल यानी कि पुरुष समाज का राज था। इसलिए वुल्फ एक साहसी और निडर बात करती हैं औरतों की आज़ादी के बारे में कि उनको रूढ़िवादी विचारधारा से निकलना होगा। अगर नहीं निकल पाई तो ऐसी स्थिति में कोई भी काम नहीं किया जा सकता जिसकी वजह से वो कभी अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो पाएंगी, कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगी। इस एसे से ऐसा लगता है कि वर्जीनिया वुल्फ वुमेन से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो अपनी घर में बनी हुई अच्छी इमेज को तोड़ दें, जिसको वो एंजल इन द हाउस कहती हैं। सामाजिक आज़ादी के साथ वुल्फ मानसिक आज़ादी की भी बात करती हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए वो अपना खुद का एग्जाम्पल देती हैं कि जब तक वुमेन अपने खुद के पैसे नहीं कमाती है तब तक वो अपने लिए खुद फैसले नहीं ले सकती और ना ही अपनी मर्जी से ज़िंदगी जी सकती है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे।